नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटी मैकेनिकल थ्योरी पर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है आपका मार्किंग और मार्किंग टूल, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो हमने इस चैप्टर में आपको कितने सारे टॉपिक बता दिए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है वी ब्लॉक का। तो जानेंगे आज वी ब्लॉक के बारे में, वी ब्लॉक क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है और इसके से संबंधित परीक्षा में क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जानते हैं वी ब्लॉक के बारे में। देखिए आपका वी ब्लॉक किस तरह का होता है, ये आपका वी ब्लॉक। वी ब्लॉक एक मार्किंग टूल है, क्योंकि इससे हम मार्किंग करते हैं। इसका प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं, जॉब पर लेआउट करने के लिए, मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए और गोल रोड पर ड्रिलिंग करने के लिए हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके दो ग्रेड में होते हैं, ए और बी। जो ए ग्रेड का होता है वो देखिए, इसको हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, इसको हम हार्ड स्टील भी बोल सकते हैं। या तो ये एग्जाम में ये देगा हाई क्वालिटी स्टील, या ये देगा हार्ड स्टील, दोनों में से कोई सा भी देगा तो वो इसका आंसर रहेगा। इसकी लंबाई 100 mm होती है। हाई एक्यूरेसी में फिनिश क्या होता है आपका, ए ग्रेड का आकार इसका छोटा होता है। अब देखिए बी ग्रेड का जो होता है, इसको क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है, इसकी लंबाई 300 mm होती है। ये कम एक्यूरेसी में होता है, किसके मुकाबले, ए के मुकाबले इसकी एक्यूरेसी कम होती है और इसका आकार बड़ा होता है। वर्कशॉप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इस पर एक वी स्लॉट बना होता है, देखिए उसका एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसको बोलते हैं हम इंक्लूड एंगल। तो अगर पूछ ले कि इंक्लूड एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का, जो टॉप और बॉटम में बना होता है। इसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, लंबाई ग्रेड और बी आई एस के अनुसार इसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। देखो ये जो 50 दिया है लंबाई में, देखिए 50 यानी कि हम 50 साइज का आपका कोई भी इसमें जॉब बांध सकते हैं। साइज का मतलब है इसकी लंबाई जो है आपकी 50 mm होगी, और जो आपका ये है 5 से लेकर 40 तक, तो इसकी जो मोटाई है वो 5 mm से लेकर 40 mm तक की इसमें मोटाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब है लंबाई 50 mm और जो इसकी मोटाई है पीस की वो 5 से लेकर 40 mm तक इसमें चल सकती है। ग्रेड आपका ए है और बी आई एस नंबर आपका 2949। तो इस तरह हम इसको स्पेसिफिकेशन करते हैं लंबाई ग्रेड और बी आई एस के अनुसार। इसका यूज देख लीजिए और कहाँ कहाँ होता है, पंचिंग के लिए भी करते हैं, जॉब का सेंटर निकालने के लिए भी, ग्राइंडिंग करने के लिए भी और मिलिंग करने के लिए भी हम वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जो स्लॉट कटा होता है वो आयताकार स्लॉट होते हैं, इसके साइडों में कौन से स्लॉट है, आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। और इस पर जॉब को क्लैंप करने के लिए हम वी क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। वी ब्लॉक का चयन करते हैं जॉब के व्यास के अनुसार। अब देखिए गोल वर्क पीस को पकड़ते समय, देखो मैंने गोल वर्क पीस है, ये मेरा आपका वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक में मैं गोल जॉब को पकड़ूंगा। तो मुझे कैसे मालूम होना चाहिए कि ये जो मेरा वी ब्लॉक है मेरे वर्क पीस के लिए बिल्कुल सही है, तो उसके लिए क्या करना है हमें, देखिए गोल वर्क पीस को पकड़ते समय वी ब्लॉक के ग्रुप के सेंटर के फ्लैंक, वी ग्रुप के जो वी ग्रुप है उसे बताया कि वी ग्रुप के सेंटर के फ्लैंक, फ्लैंक देखो ये वाला है, ये और ये जो फ्लैंक है वर्क पीस से छूने चाहिए। देखो ये मेरा वर्क पीस है, ये मेरे वी ब्लॉक के ये क्या है, फ्लैंक है, तो ये यहाँ पर सेंटर पर छूने चाहिए। ये अगर ऐसे छू रहे हैं तो इसका मतलब मेरा वी ब्लॉक जो है मेरे वर्क पीस के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए बड़े आकार के वी ब्लॉक में स्लॉट नहीं होते हैं, और वी ब्लॉक को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में इस पर ऑयल लगाकर रखना चाहिए। वी ब्लॉक की शुद्धता यानी कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम किस इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिए सरफेस प्लेट का, टेस्ट बार का और डायल टेस्ट इंडिकेटर का, इन तीनों का हम इस्तेमाल करते हैं वी ब्लॉक की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। वी ब्लॉक का कौन सा भाग हाई एक्यूरेसी में फिनिश होता है, कौन सा भाग होता है, देखिए इसकी डायमेंशन है, इसकी फ्लैटनेस और इसकी स्क्वायरनेस, ये जो तीनों हैं वो हाई एक्यूरेसी में फिनिश होती हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक और एक दो। यहाँ पर बात चली आपकी वी ब्लॉक की, देखिए वी ब्लॉक पर अगर हमने किसी वर्क पीस को रख दिया है, रखने के बाद उस पर हमें ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग करते समय क्या करते हैं, देखो उस पर कुछ चिप्स निकलते हैं, जब हम ड्रिलिंग करेंगे चिप्स निकलेंगे, तो उस चिप्स को रास्ता देने के लिए उसके प्रवाह को, यदि प्रवाह यानी कि एक साइड में चले जाए, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो वी ग्रूव बना होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है, देखिए ड्रिलिंग के समय चिप्स को प्रवाह के लिए क्लियरेंस देता है कौन, देता है आंसर रहेगा आपका वी ग्रूव, वी ग्रूव आपको आंसर लगाना है। नंबर दो, देखिए वी ब्लॉक द्वारा गोल रोड का सेंटर निकालते समय सरफेस गेज का और वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल करते हैं। आकृति के अनुसार आपके वी ब्लॉक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखिए सिंपल वी ब्लॉक, नंबर 2 आपका इंप्रूव्ड वी ब्लॉक, नंबर 3 आपका वी ब्लॉक विद क्लैंप, और नंबर 4 है आपका मैग्नेटिक वी ब्लॉक। आपका जो मैग्नेटिक वी ब्लॉक है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपका मैग्नेटिक वी ब्लॉक। बी आई एस के अनुसार वी ब्लॉक आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, नंबर 2 है आपका सिंगल लेवल डबल ग्रूव। सबसे पहले देखेंगे आपका फर्स्ट नंबर का सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, इसमें क्या होता है, एक ग्रूव होता है और एक ही स्लॉट होता है, जो इसका स्लॉट है वो आयताकार होता है, जो ग्रूव होता है वो वी आकार का होता है।
होल्डिंग क्लैंप को स्थान कौन देता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर रहेगा आपका स्लॉट। तो होल्डिंग क्लैंप को स्थान स्लॉट देता है। नंबर दो देखिए आपका सिंगल लेवल डबल ग्रूव, इसमें क्या होता है एक ग्रूव होता है और दो स्लॉट होते हैं, इसमें भी जो आपके स्लॉट है आयताकार रहेंगे और जो ग्रूव होगा वो आपका वी आकार का होगा। नंबर तीन है आपका डबल लेवल सिंगल ग्रूव, इसमें क्या दो ग्रूव होते हैं और एक स्लॉट होता है, ग्रूव वी आकार का होता है, स्लॉट आपका आयताकार का होता है। नंबर चार है आपका मेस्ट पेयर वी ब्लॉक, देखिए मेस्ट पेयर वी ब्लॉक आपका इस तरह का होता है, यह जोड़े में पाए जाते हैं, ग्रेड और साइज एक समान होते हैं, इनके पहचानते हैं इसको नंबर द्वारा और लेटर द्वारा इनको पहचानते हैं, लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किस पर लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, देखिए इसमें पहले क्या करता है वो एम लगा देता है, तो एम जहां लगा देगा इसका मतलब क्या है वो मेस्ट पेयर वी ब्लॉक है, बाकी सब पहले जैसे रहेगा, जैसे कि ये इसका इसकी लंबाई है, ये इसका साइज है, ये इसका ग्रेड है, ये इसका बीआईएस नंबर है। एक होता है आपका विद क्लैंप, विद क्लैंप में क्या होगा सिर्फ आगे विद क्लैंप लिख देगा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है दोनों में, मैश पेयर के और विद क्लैंप के। तो ये आपके हो गए हैं वी ब्लॉक के प्रकार। तो आपके जो वी ब्लॉक है वो सारा हमने पढ़ा दिया है, सब कुछ बता दिया वी ब्लॉक के बारे में। तो इस वीडियो में आपके आज इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।